हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, खुशखबरी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अवशेष सहायक अध्यापकों के पद हैं, यानी 36,590 पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों आदेश आधिकारिक रूप से जारी हो गया है। काउंसलिंग से संबंधित कंप्लीट गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स के लिए विद्यालय आवंटन संबंधी जो भी दिशा निर्देश हैं वो बाद में पृथक से दोस्तों निर्गत किए जाएंगे। आते हैं कैंडिडेट्स के लिए जरूरी जो ये आधिकारिक शासनादेश है उसमें जो जरूरी बातें हैं वो आपके बीच में शेयर करते हैं। दोस्तों, ये लेटर है, इसके प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 141011-42752/2020-21 दिनांक 28 नवंबर 2020। विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 111-98/2020 राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 नवंबर 2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों की चयन नियुक्ति के संबंध में। अब इसमें दोस्तों पूरा का पूरा जो वैकेंसी है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन है, लेकिन उसके बाद भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कदम रख रही है वो फूंक फूंक करके रख रही है। तो जनपद स्तर पे आपकी काउंसलिंग होनी है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में। कब होनी है? 2 से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है। तो इसमें पहला बिंदु है कि 36,590 पद पर NIC द्वारा अभ्यर्थियों की चयन एवं जनपद आवंटन की सूची जो प्राप्त कराई जाएगी दिनांक 1 दिसंबर 2020 को एक्सेल सेट पर उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा बिंदु है अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों, देखिए अनंतिम वर्ड यूज़ हुआ है, अंतिम नहीं, अभी आपकी काउंसलिंग होगी, फिर स्कूल का अलॉटमेंट होगा, तो फाइनली आप जाकर के ज्वाइन करोगे, लेकिन काउंसलिंग यानी मूल अभिलेखों और जो छाया प्रति है उसके पूरी तरीके से उस पर निगरानी, उस पर नियंत्रण और उसको बारीकी से प्रेक्षण के बाद ही आप इस कठिन गणित से जब आगे बढ़ेंगे तो ही आपको विद्यालय आवंटन दोस्तों होना है। तो इसीलिए अनंतिम सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अन्य अभिलेखों की जाँच दिनांक 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर को की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 28 मई 2020 को अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो आपने जब फॉर्म निकला हुआ था तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था 28 मई 2020 को, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं समस्त शैक्षिक अवलिक अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे जाति, दिव्यांगता, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के साथ आप उपस्थित होंगे। तीसरा बिंदु है 36,590 सहायक अध्यापक के पदों पर जनपदवार चयन नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981, जिसे अपडेट किया गया है यानी अद्यतन संशोधित, में गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चौथा बिंदु है जनपदीय चयन समिति अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए काउंसलिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। पांचवा बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये पैसे से जुड़ा हुआ बिंदु है कि आपको कैसे बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनवाने हैं। तो अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक ऑब्लिक अन्य मूल अभिलेखों, पहली बात तो जो भी एजुकेशनल या अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए आपके पास, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो जो भी अभिलेख मूल रूप में आपके पास हैं
उसकी छाया प्रति करा लीजिए, कितनी संख्या में करा लीजिए, पूरे के पूरे जो अभिलेख हैं उसका एक सेट प्लस वन सेट मोर, यानी दो सेट आप पूरा करा लो, और स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, उस पर अपने सिग्नेचर वगैरह भी कर दो। चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चार फोटो आप ले लीजिए। तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क, अनारक्षित ओबीसी हेतु रुपया 500, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु रुपया 200, विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में चयनित हैं के अनुसार शुल्क देना होगा का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। यहाँ जो दिया गया है आपके सामने है, अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना है, और एससी एसटी के लिए 200, और दिव्यांगजन को यहाँ पे लिखा गया है विशेष आरक्षण में जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ करके। तो आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैंकवार पृथक पृथक निम्नलिखित विवरण पर हार्ड कॉपी / सॉफ्ट कॉपी एवं मूल बैंक ड्राफ्ट के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा। खैर, आपका काम है, आप ड्राफ्ट बनवा लो, और ये कहाँ जाएगी कैसे जाएगी वो विभागीय काम है। तो छठा बिंदु दोस्तों ये है कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय रुपया 100 के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं तथा वह जनपद यानी जिस जनपद में नियुक्त हुआ है होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। तो ये 100 रुपये का शपथ पत्र आपको नोटरी से बनवाना है कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो पूरी तरीके से सही है, मेरा सिलेक्शन अगर किसी भी जनपद में जिसमें मैंने डिमांड किया है या जो हमें मिला है आवंटित हुआ है उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो हम अंतर जनपदीय स्थानांतरण की क्या नहीं करेंगे, मांग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस भर्ती में ये विशेष है कि पहले ही आपसे इस बात का शपथ पत्र ले रहे हैं कि आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की मांग बाद में नहीं करेंगे। चलिए, सातवां बिंदु है काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि को समस्त औपचारिकताएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएंगी तथा कोविड 19 के विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजिंग की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। काउंसलिंग की तिथि को समुचित पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा साफ सफाई रखी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर चिकित्सक की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी तथा संबंधित थाने को पर्याप्त पुलिस बल के लिए भी अनुरोध किया जाएगा। काउंसलिंग की तिथि से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवश्य सूचित किया जाएगा। आठवां बिंदु है काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा तथा पंजिका के जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा उस क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेखों का विवरण अंकित करते हुए प्राप्त रसीद प्राप्त कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा तथा उसके सहयोग के लिए किसी लिपिक को भी नामित किया जाएगा। अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव के लिए संबंधित लिपिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा। अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जाँच में समिति द्वारा नियुक्त हेतु अहर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा। दसवां बिंदु है काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वे निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता आयु प्राथमिक स्तरीय TET CTET परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं शिक्षा मित्र को उनके कार्यानुभव हेतु प्रदान किए गए अधिकतम 25 अंकों के भारांक के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का आगणन इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हों तथा उनके द्वारा इस अवधि में शिक्षा मित्र के रूप में परिषदीय विद्यालयों में कार्य किया गया है। ग्यारहवां बिंदु है अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक या प्रशिक्षण अभिलेख में अंकित विवरण
तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदनों प्रांत NIC द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन एवं जनपद आवंटन की एक्सेल सूची में अंकित विवरण में विसंगति भिन्नता पाई जाती है के प्रकरण परिषद द्वारा निर्गत पूर्व आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रकरण सूचीबद्ध करते हुए उनका पूर्ण विवरण विसंगति सहित हार्ड कॉपी एक्सेल सीट में अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय की ईमेल, यहाँ पे ईमेल भी दोस्तों दिया गया है, basicinfonic69000@gmail.com पर प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त समय सारणी के अनुसार परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्त कराई जा रही अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की जांच उपरोक्तानुसार दिए गए निर्देशों के क्रम में करते हुए काउंसलिंग की समस्त कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। समस्त कार्रवाई संबंधित जनपदीय समिति के स्तर से की जाएगी, जिसमें अभिलेखों के रखरखाव, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सदस्य सचिव जनपदीय चयन समिति का हो गया। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का मार्ग व्यय या अन्य भत्ते दे नहीं होंगे। काउंसलिंग के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से जनपद में विज्ञप्ति प्रकाशित कर काउंसलिंग का स्थान व समय सूचित करते हुए कार्रवाई करेंगे। तथा डायट के प्रवक्ता / खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में आवश्यकतानुसार टीम गठित कर काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तो दोस्तों ये लेटर रहा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल जी का, और 28 नवंबर को ही ये पत्र दोस्तों निर्गत हो रहा है। इस पत्र के साथ ही 69,000 सहायक शिक्षक में जो अवशेष शिक्षक हैं 36,590 दोस्तों, उनकी सेकंड काउंसलिंग पूरी की पूरी तरीके से अब शुरू हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि शासनादेश का निर्गत होना, शासनादेश दोस्तों निर्गत हो गया है। 2 से 4 दिसंबर के मध्य आपकी काउंसलिंग होनी है। आपकी तैयारी क्या होगी, वो पूरा का पूरा जो दस्तावेज है, मूल प्रति, 2 सेट छाया प्रति, फोटोग्राफ्स, ड्राफ्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सारी बातें आपसे शेयर की जा चुकी हैं। आप ससमय पूरी तैयारी के साथ निर्धारित जो स्थल है वो विज्ञप्ति के माध्यम से जिस जनपद में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे। तो आप अपना शेड्यूल देख लें। जैसे पहले हुआ था, शुरू में महिला दिव्यांग शिक्षिकाएं, पुरुष दिव्यांग शिक्षक, और दूसरे दिन शेष महिलाएं और पुरुष, तो उसी क्रम में होना है। लेकिन आप जब विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाए वहाँ देख लें शेड्यूल, उसी के हिसाब से दोस्तों आप जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।